ओके बच्चों, तो सवाल देखो, सवाल क्या पूछना चाहता है। इफ द कॉस्ट ऑफ बनाना इज इंक्रीज्ड बाय 1 रुपीज पर डजन, वन कैन गेट 2 डजन लेस बाय स्पेंडिंग 840 रुपीज। सो सवाल क्या कह रहा है कि 840 रुपीज है आपके पास और आप बनाना लेने के लिए मार्केट में जा रहे हैं। ठीक है, मार्केट में क्या है कि उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, मतलब आप एक दिन पहले चले गए तो कुछ प्राइस थी उसकी, दूसरे दिन जाए गए तो उस दुकानदार ने क्या किया कि 1 रुपए से प्राइस बढ़ा दी, आप 840 ही लेके गए थे, लेकिन क्या हुआ उस वक्त आपको 2 डजन कम मिले, तो आपको क्या निकालना है, जो आपने कल मतलब जो ओरिजिनल प्राइस थी वो निकाली। तो एक बार हमेशा ध्यान में रखना कि उन्होंने जो पूछा है उसी को आप क्या पकड़ोगे, वेरिएबल पकड़ोगे। तो यहाँ पे देख लो, जो पूछा है क्या पूछा है उन्होंने, ओरिजिनल प्राइस ऑफ बनाना पूछे, मतलब जो आप कल जाके लेके आए थे वो प्राइस पूछे, तो हमें सबको अच्छा लगता है वहां पे पकड़ा मैंने 100 रुपीज। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस होगी 100 रुपीज। अभी दूसरे दिन जब आप गए तो आपको प्राइस क्या मिली बच्चा बंटी, दिस विल बी x+1 रुपीज। ये बात तो क्लियर है कि दूसरे दिन क्या हुआ, प्राइस 1 रुपीज से बढ़ गया। अभी पहले दिन सोच लो कि पहले दिन प्राइस एक्स थी, आपके पास 840 रुपीज थे, आपने बनाना लिए तो आपको कितने डजन बनाना है। जैसे हम सोच रहे कि चलो मेरे पास 100 रुपीज है और मैं कोई आर्टिकल लेने के लिए जा रहा हूँ जो 10 रुपए का हो, तो मुझे कितने मतलब कितने आर्टिकल्स मिल सकते हैं, तो आप क्या करोगे 100 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, तो वही वाला लॉजिक यहाँ पे यूज कर दो कि हाउ मेनी डजन, कितने डजन मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे 840 डिवाइडेड बाय x मिलेंगे, तो इनको मैं क्या बोल दूं, दिस विल बी माय n, मतलब n डजन ऑफ बनाना मैंने वहां पे लिए है, ये उन्होंने कहा है तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला। आगे चलता हूं तो दूसरे दिन भी मैं 840 रुपीस ही लेके चला गया, तो मुझे कितने बनाना मिले, तो 2 डजन कम मिले, मतलब क्या हुआ n में से 2 डजन कम कर दिए, n माइनस 2 मिले, 840 डिवाइडेड बाय कॉस्ट क्या थी x+1। तो मेरे पास यहां पे 2 इक्वेशन है बच्चा बेटी, तो हमेशा ध्यान में रखना 2 इक्वेशन, यहां से तो वैल्यू यहां पे डाल दो या तो फिर इसकी वैल्यू निकाल के यहां पे डाल दो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस वाले बंदे को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचता हूँ, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, तो इसको मैं इधर भी लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आने के बाद मल्टीप्लाई होगा, मतलब x+1 (n-2) = 840। दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हमें आता है, तो मल्टीप्लाई किया तो बना ये x(n), उसके बाद दूसरा बना -2 (x), आगे जाऊंगा तो +n, आगे जाऊंगा तो -2 which is equal to a। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर। अभी यहां से देखूंगा तो n की वैल्यू है मेरे पास, इस वाली इक्वेशन में उठा के डाल सकता हूं, तो इक्वेशन को थोड़ा सा रिअरेंज कर देता हूं, यहां पे लिख लेता हूं x(n), मतलब क्या बना x(840/x), आगे जाऊंगा -2 (n) है, तो ऐसा का ऐसा था, उसके बाद +n है, मतलब क्या बना 840/x बना, आगे जाऊंगा तो -2 बना which is equal to 840 बना। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने n की वैल्यू डाल दी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो x को खा लिया, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे 840 एक अकेली टर्म रहेगी और उधर पे भी 840 है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते, उधर पे जाने के बाद तो माइनस बनेगा तो कैंसिल। अभी देख लो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते, 840/x -2x -2 = 0। अभी थोड़ा सा आसान कर लेते, यहाँ पे आप बोलोगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार देख लो कि इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन में ला सकता हूँ, कैसे लाऊं, तो मैं दोनों साइड को एक से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तीनों टर्म को एक से मल्टीप्लाई किया, जीरो को भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो तो सबको खा जाता है, तो मैंने सभी टर्म को एक से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से अगर एक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये बना 840, यहाँ से एक्स को मल्टीप्लाई किया तो -2x का स्क्वायर, यहाँ पे किया तो -2x = 0। अभी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे बनेगा, दिस विल बी -2x का स्क्वायर -2x ये +840 = 0। अभी x स्क्वायर कभी भी हमें जीरो मतलब माइनस में अच्छा नहीं लगता, तो सबके साइन चेंज कर दो, ये साइन माइनस कॉमन लिया मैंने बाहर रख दिया, तो ये बना 2x का स्क्वायर, ये बना +2x, ये बना -840 = 0। सवाल देख लो कितना आसान बन गया। अभी मुझे क्या करना है, ऐसे दो रूट ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, तो 2 into मतलब अभी और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं इसको, यहाँ से मैं 2 भी कॉमन ले सकता हूँ, उधर पे
देख सकते हो। तो यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर किया, यहाँ पे एक्स बोला, यहाँ पे मैं 420 बोल सकता हूँ, विच इज इक्वल टू जीरो, मतलब टू कॉमन लिया उधर पे कर दिया, 0/2 मतलब जीरो। अभी इसको मुझे सॉल्व करना है, तो एक बार हमेशा ध्यान में रख लो कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होगा, वर्ड प्रॉब्लम होगा तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होने के चांसेस उसके 80% है। तो फैक्टर्स के बारे में सोचो, फैक्टर्स क्या कहते हैं, माइनस एक, 420 मेरा क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अगर देखूंगा तो 20 के टेबल में 20 × 21 हो जाता है, तो इसको क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर जो बड़ा बन रहा है वो हमेशा यहाँ पे 21x माइनस 20x माइनस 420 विच इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन आया मतलब x प्लस 21 बना, यहाँ से मैं माइनस x को कॉमन ले लूँ मतलब क्या बनेगा, सॉरी यहाँ से मैं माइनस 20 को कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, x माइनस प्लस 21 विच इज इक्वल टू 0। तो ये बना x प्लस 21, दूसरे ब्रैकेट में बना x माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक वाला लॉ क्या कहता है कि x प्लस 21 तो 0 है और x माइनस 20 तो 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ से मैं बोलूंगा माइनस 20 और x की वैल्यू बोलूंगा मैं 20। अभी मेरे पास दो वैल्यू, तो यहाँ से आपको मिली x की वैल्यू 20 माइनस 21, यहाँ से मिली x की वैल्यू 20, आपके पास दो वैल्यूज है भाई। तो अभी आप 21 रुपीज लेके तो नहीं जाओगे, आपके पास 20 रुपीज होनी चाहिए, बोल रुपीज में बोला, तो x की वैल्यू क्या सिलेक्ट करोगे, दिस विल बी 20। और उन्होंने पूछा था ओरिजिनल प्राइस, आपने ओरिजिनल प्राइस ही निकाली जिसको x बोला था, तो आपकी ओरिजिनल प्राइस क्या होनी चाहिए थी, 20 रुपीज होनी चाहिए थी, और जो उस बंदे ने बढ़ाया था मतलब सेकंड डे, दिस विल बी 21 रुपीज। ठीक है, मतलब चेंज ऐसा भी कर सकते हैं कि वो वाली वैल्यू निकालो मतलब जो 1 रुपीज बढ़ाने के बाद होगी, और यहाँ पे आप चेक भी कर लो कि 20 रुपीज से आपको अगर खरीदोगे तो आपको 42 dozens मिलेंगे, और आप अगर 21 रुपीज से खरीदोगे तो आपको 20 dozens मिलेंगे। तो आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो, ठीक है, आपके कुछ डाउट होंगे तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।